यूपी उपचुनाव में फिर सुर्खियों में आई पीली साड़ी वाली चुनाव अधिकारी, यहां करेंगी ड्यूटी। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर पीली साड़ी वाली महिला चुनाव अधिकारी की तस्वीरें वायरल हुई थीं और देखते ही देखते फेसबुक ट्विटर पर वे छा गई थीं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी ये महिला अधिकारी एक बार चर्चा में है। यूपी विधानसभा चुनाव में रीना द्विवेदी लखनऊ में कृष्णा नगर के महानगर इंटर कॉलेज में ड्यूटी करेंगी। पोलिंग अफसर फिर चर्चा में है। पीली साड़ी वाली महिला पोलिंग अफसर के तौर पर रीना द्विवेदी जब रमाबाई मैदान में ईवीएम किट लेने पहुंची, तो वे आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाते नजर आए। लोकसभा चुनाव के दौरान रीना द्विवेदी सुर्खियों में आई थी जब वे पीली साड़ी में चुनावी ड्यूटी पर जाने के लिए ईवीएम किट लेने पहुंची थी। इसके बाद वह इतना फेमस हुई कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें पीली साड़ी वाली मैडम कहने लगे। लखनऊ में करेंगी चुनावी ड्यूटी। बता दें कि रीना द्विवेदी लखनऊ में पीडब्ल्यूडी अधिकारी के रूप में तैनात हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनकी पीली साड़ी वाली फोटो चर्चाओं में रही थी। लोगों ने उनकी खूबसूरती की बहुत तारीफ की थी। इस दौरान सोशल मीडिया में कहा जाने लगा था कि रीना मिस जयपुर भी रह चुकी हैं, जिसका उन्होंने खंडन किया था। रीना ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा था कि वे ना मिस जयपुर रही हैं और ना ही उन्होंने कभी इस तरह के किसी कॉम्पिटिशन में भाग लिया है। उन्होंने बताया था कि ये तस्वीरें कुछ मीडिया कर्मियों ने तब ली जब वे मतदान केंद्र पर जा रही थीं। रीना द्विवेदी देवरिया की रहने वाली हैं। रीना द्विवेदी मूल रूप से देवरिया की रहने वाली रीना लखनऊ के पीडब्ल्यूडी विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात हैं। साल 2004 में उनकी शादी पीडब्ल्यूडी विभाग में काम करने वाले सीनियर सहायक संजय द्विवेदी से हुई थी, लेकिन 2013 में उनके पति की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद उन्हें पति की जगह नौकरी दी गई। रीना का एक 13 साल की बेटा है। रीना कहती हैं कि वे शुरू से ही फैशन ट्रेंड को फॉलो करती हैं। यूपी उपचुनाव लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर रही थी सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव के दौरान रीना की मोहनलालगंज के नगराम पोलिंग बूथ में ड्यूटी थी। वे कहती है कि उन्हें भोजपुरी फिल्मों में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बताया था कि सोशल मीडिया पर अब उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। हालांकि रीना द्विवेदी का कहना था कि अब अगर फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वे इस पर जरूर विचार करेंगी।